अमृत दिन न्यूज पटना बिहार की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बिहार म्यूजियम यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्ट डेवलपमेंट, राजधानी पटना का बिहार म्यूजियम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कला संस्कृति विकास का केंद्र बन गया है और यहीं आज दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कला कार्यशाला और कला चर्चा का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसका उद्घाटन आज बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह और जो कि अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं, उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि और कला प्रेमी जापान से आए हैं टोकियो हासेगावा, और उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना अनुभव और संगीत हिंदी गीत को भी गाकर सुनाया दर्शकों को। नमस्कार, अमृत न्यूज़ की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। ये उपेन महारती शिल्प अनुसंधान संस्थान की ओर से जो आज यहाँ दो दिवसीय इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जो कि कला और हस्तशिल्प पर आधारित है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कला प्रेमी और कलाकार आए हैं उसमें आप भी भाग ले रही हैं, कैसा अनुभव है बताइए जरा। जी सर, यहाँ हम आए हैं एक कलाकार बनकर जी, और अपना परिचय दीजिएगा, अपना नाम बताओ। मेरा नाम अंशु माला हुआ जी, मैं मधुबनी पेंटिंग से ये करती हूँ, मधुबनी पेंटिंग बनाती हूँ, बच्चे को सिखाती भी हूँ, और जो बच्चे मतलब सीखते हैं सिखाने के बाद उन्हें काम भी मैं देती हूँ, मैं उनसे काम भी देती हूँ। तो आज ये पेपर में देख करके, मुझे पहले से भी पता था, पेपर को देख करके मैंने कितने को फ़ोन भी किया कि ये चलिए हम लोग इस सेमिनार में आज चलें, वहाँ पर जाकर के वहाँ की अनुभूति हम लोग लें, अनुभव करें कि कैसे क्या है। तो यहाँ हम लोग आए, यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए कि यहाँ पर आने के बाद मुझे बड़े बड़े लोगों से नेशनल अवार्डी स्टेट अवार्डी मैंने बहुत पहले ही सुन रखा था, जापान के हैं टोकियो हसेगावा, उनका नाम मैंने सुन रखा था, और आज मुझे उनसे सामना सामने मतलब उनका दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। और उन्होंने जापान में मिथिला म्यूजियम का भी स्थापन किया है। हाँ, जी, एक बार वो घूमने आए थे, ऐसे मतलब यहाँ आए थे, दिल्ली घूमे थे, और उनके बाद उन्होंने मधुबनी पेंटिंग का नाम सुने थे, तो वो मधुबनी गए घूमने, वहाँ उनको इतना अच्छा लगा कि वो जब वापस लौट करके वो गए जापान, तो वहाँ से उन्होंने गवर्नमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट को बोले कि हमें वहाँ से कुछ कलाकार भेजिए। तो यहाँ से दो तीन कलाकार जो हैं, जिसमें बगुआ देवी थी, गोदावरी दत्त थी, ये सब कर्पूरी देवी थी, हाँ, तो तीनों यहाँ आई, तीनों का दर्शन हुआ। हाँ, हमारे लिए सौभाग्य की बात, या सभी के लिए जिस सबने केवल नाम सुन रखा था, आज उन्हें सामना सामने उनका दर्शन हुआ है, उनको देखने का मौका मिला है। तो फिर वो हसेगावा जी वहाँ बुलाए उन सबको, वहाँ से उन्होंने काम करवाया, वहाँ को उनको इतना अच्छा लगा जो उन्होंने एक म्यूजियम ही स्थापित कर दिया जापान में, जहाँ आज भी उनकी लगभग 1300 कलाकृतियाँ वहाँ पे लगी हुई हैं। और ये सब तो मैंने पढ़ा था, और यहाँ आकर के इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे हर तरह के कलाकार से मिलने का मौका मिला, नेशनल अवार्डिंग है, स्टेट अवार्डिंग है, और यहाँ विभिन्न विषयों के कलाकार जो हैं अपना लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एप्लिक का है, फिर इधर जूट क्राफ्ट है आगे, और फिर वहाँ पर मेटल क्राफ्ट भी है, टिकुली पेंटिंग है, इधर और भी विषय है, बम्बू क्राफ्ट है, यहाँ पर वुड क्राफ्ट है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, फिर वहाँ मिथिला पेंटिंग भी है। पूरे बिहार से यहाँ कलाकार आए हैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए, और अपनी प्रतिभा को दिखा भी रहे हैं, बना के दिखा रहे हैं। अब नमस्कार, आप भी आए हैं इस दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका आयोजन उपेन महारती शिल्प अनुसंधान संस्थान की ओर से किया गया है बिहार म्यूजियम में, कैसा लगा आपको आकर के? जानकारी मिली। अपना परिचय देंगे ज़रा, अपना परिचय।
नाम मेरा नाम सुरेंद्र लाल दास है जी। पेंटिंग में विषय मेरा है ऑयल पेंटिंग, वाटर पेंटिंग वगैरह हम बनाते हैं, कंपोजिशन पोर्ट्रेट वगैरह, गीता पर हम तो चित्र बनाए हैं। यहाँ आकर के सभी कलाकारों से भेज हुई, काम करते हुए उन लोगों का जो हम देखे तो बहुत हमको खुशी हुई कि देखिए इन लोग कितना मन कितना मेहनतली काम कर रहे हैं। तो यहाँ आकर के थोड़ी तो बहुत जानकारी मिली है। जापान से जो टोक्यो हासेगावा हैं उनसे भी आपको मिलकर खुशी हुई होगी। बहुत ही इतना मिलनसार, इतना स्पष्ट संस्कृत का श्लोक बोल दिए, दुर्गा सप्तशती का श्लोक बोल दिए, गीता का श्लोक है तो बोल दिए, और लगा कि कितना ही मैंने जानकार है और बहुत बड़े संगीतक भी है। टोक्यो हासेगावा जो है वो एक तरह से कहीं प्रकृति प्रेमी भी है ना जी, और मानवतावादी हैं, संगीत प्रेमी भी हैं जी, और कला प्रेमी तो है ही। कला प्रेमी है, उनको उनसे मिलकर लग ही नहीं रहा है कि जो वो इतने बड़े आदमी हैं और वहाँ से आए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ का आयोजन बहुत ही अच्छा रहा। और जो भी यहाँ आए हैं कला प्रेमी सभी उनसे सेल्फी लेना चाह रहे थे जी, हम लोग ने उनके साथ फोटो भी लिया है, सेल्फी भी लिया है, अमेरिका से भी आए हुए हैं अतिथि लोग, उनके साथ भी, वो भी बहुत ही मतलब इतने मतलब अच्छे स्वभाव के हैं कि लग नहीं रहा है कि जो वो मतलब इंडिया के नहीं हैं, और हम लोग के साथ पूरा कॉपरेट करके उन लोगों ने फोटो भी लिया। एक तरह से कहिए कि यहाँ बिहार म्यूजियम में कला मेला लगा हुआ है, कला मेला लगा हुआ है, सही एक तरह से कहिए कला त्यौहार कहिए जी। और मतलब इस तरह के अगर मेला लगता रहे तो छोटे छोटे कलाकार को आगे बढ़ने का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, प्रोत्साहन भी मिलता है, प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलेगा, ये प्रेरणा।